पहले तो आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी का शपथ विधि होने जा रहा है और ये राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने मोदी जी के 9 साल के कार्य को, इस देश में 9 साल मोदी जी ने जो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया है, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उस गारंटी को मोदी जी के लोगों ने अपनाया है और कांग्रेस के गारंटी को ठुकराया है और इसलिए यहाँ पर बहुत ही जोरदार जीत भारतीय जनता पार्टी से हुई है और ये विश्वास जो जनता ने जुटाया है, इसलिए हमारे महाराष्ट्र की जनता की ओर से राजस्थान की जनता को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तीनों स्टेट का जो मैकेनिज्म है 2024 में क्या रिफ्लेक्ट होगा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में? ये तो लोगों ने अभी मोदी जी को 2024 की प्रधानमंत्री होने की गारंटी दे दी है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी प्रगति, पूरे दुनिया में जो आज हमारे देश का नाम पूरे आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, और इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार 2024 में लोग चाहते हैं और उसी की एक शुरुआत इस 3 राज्यों में लोगों ने दिखलाई है। ठीक है सर।